तो फटाफट हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि यार सांस ही नहीं आएगी, तो क्या वीडियो बनेगा और क्या शाइन दौड़ेगी। और ये वाला एक्सपीरियंस यार थोड़ा हटके है, जिंदगी में कभी नहीं किया। अब पूरी प्रॉपर रात हो गई है भाई, एकदम काला अंधेरा। तो अभी टाइम हो गया है 7:21 और हम लोग निकल चुके हैं कॉमिक से वापस काजा जाने के लिए। रास्ता बहुत ज्यादा टफ है। अभी ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ना, ये अच्छा है लेकिन थोड़ी दूर के लिए ही है, ज्यादा अच्छा नहीं है। आगे बहुत टफ रास्ता होने वाला है और 15,000 फीट से डायरेक्ट आप नीचे जाओगे 4,000 फीट पे। पूरे 11,000 फीट कवर करना है। अब सूरज बिल्कुल ढलने वाला है। अभी यार हम नीचे उतर ही रहे हैं, अभी हम हिक्किम भी नहीं पहुंचे हैं कॉमिक से। और ना 15,050 फीट की ऊंचाई पे मेरे को एक चीज यार थोड़ी थोड़ी महसूस हो रही है कि थोड़ा थोड़ा ना मेरा सर दर्द हो रहा है अब, और मेरे को ना भारी भारी लग रही है अपनी सांस। और मेरे को ऐसा लगता है एल्टीट्यूड का जो असर है वो मेरे अंदर आ रहा है शायद, तो सांस लेने में ना थोड़ी भारी लग रही है। वो नॉर्मल जैसे मैं सांस लेता हूँ वैसे नहीं आ रही मेरी सांस, थोड़ी भारी भारी सी लग रही है। और थोड़ा सर में दर्द है, मुझे नहीं पता कि ये हेलमेट लगाने की वजह से हो रहा है कि मैंने कंटिन्यू दिन भर हेलमेट लगाया था इस वजह से हो रहा है, या फिर मेरे को सांस कम आ रही है इस वजह से हो रहा है। और मेरे को लगता है ये दिन भर मैंने हेलमेट पहन रखा था ना, तो इसकी वजह से होगा। वैसे एल्टीट्यूड का इतना ज्यादा प्रॉब्लम मेरे समझ से नहीं है, लेकिन अब कंफर्म नहीं है ना एल्टीट्यूड प्रॉब्लम है या फिर और कुछ है, वो चीज मेरे को क्लियर नहीं हो रही है। तो फटाफट हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि यार सांस ही नहीं आएगी, तो क्या वीडियो बनेगा और क्या शाइन दौड़ेगी, तो इसलिए फटाफट जा रहे हैं भाई। तो अभी की रिपोर्ट ये है, टाइम हो चुका है 7:45 और अभी भी हम नीचे नहीं पहुंचे हैं। हमने पोस्ट ऑफिस क्रॉस कर लिया है और अभी भी हम नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सूरज अब पूरी तरीके से वो लास्ट वाले पहाड़ के पीछे चला गया और हल्की हल्की रोशनी आ रही सूरज की बस, और हमने लाइटें अपनी चालू कर दी है। और ये वाला एक्सपीरियंस यार थोड़ा हटके है, जिंदगी में कभी नहीं किया और पहली बार इतने एल्टीट्यूड पे इतने शाम को बाइक चला रहा हूँ, वो भी अंधेरा होने वाला है। याद रहेगा 28 जून 2022, जिंदगी में कुछ करके आया था। एक्चुअली ना एक चीज और शेयर करना था यार आपसे। जब मैं घूमने जाता हूँ ना, तो मेरे गांव में और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि भाई हर महीने क्या घूमने जाता है, तो कहाँ जाता है, क्या मिलता है, वो फलाना ठिकाना जो भी है। लेकिन यार अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो देख लो, ये एडवेंचर है, एडवेंचर करने में मजा आता है, नई नई जगह देखने में यार मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड में जो भी घूमने वाली चीजें हैं, जो भी फेमस चीजें हैं, उनको मैं एक बार देखाऊं उस जगह जाके जहाँ पे वो हैं, उनके बारे में जान लूं। जानना तो यार गूगल से भी हो सकता है, देखने को मैं वीडियोस भी देख सकता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को उस जगह मतलब ले जाना चाहता हूँ और उसके बाद वहाँ का जो वाइब होता है ना वो फील करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ट्रैवल करता हूँ यार। और काफी नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं ट्रैवल में, जैसे सबसे पहली चीज हिम्मत बहुत मिलती है। कभी आप किसी बुरी सिचुएशन में अगर फंस जाते हो ना, बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है। फिर जैसे आज सुबह टायर पंचर हो गया था, लेकिन मेरे को ऐसा था कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो जाएगा अभी, और फौरन जुगाड़ भी हो गया। और अभी देखो इतने एल्टीट्यूड पे हम बाइक चला रहे हैं रात में, ये भी एक एक्सपीरियंस है जिंदगी में। और बहुत सारे अच्छे बुरे एक्सपीरियंस होते हैं, कई ऐसे जरूरी नहीं है कि ट्रेवलिंग में आओगे तो सारे अच्छे एक्सपीरियंस ही होंगे, बहुत से बुरे एक्सपीरियंस भी हो जाते हैं कभी कभी। बुरे एक्सपीरियंस के ऊपर कभी कोई वीडियो बनाऊंगा कि कहां मेरे साथ क्या क्या हुआ, तो वो सेपरेट टॉपिक रखेंगे उस वीडियो का। हम नीचे की तरफ बढ़ते हुए अभी थोड़ी सी इसमें बैटरी बची है, तो मैं एकदम जब अंधेरा हो जाएगा ना थोड़ा सा वो वाला व्यू भी आपको दिखा दूंगा। फिलहाल अभी मैं बंद कर लेता हूँ अपना GoPro। अब हो गई है प्रॉपर रात और हम उतर रहे हैं अभी भी नीचे। और ये देखो इस तरीके के कुछ रास्ते हैं, और जो सूरज है ना वो आप सामने देख पा रहे होगे, वो उस पहाड़ी के नीचे ढल चुका है। मतलब यार वो नाके बराबर ही है, खाली ऊपर से वो येलो येलो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ना बिल्कुल रात हो चुकी है। और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है यार, मैंने अब तक इतने सारी जगह कवर कर ली है, जो मैंने सोचा जिंदगी में वो हो रहा है धीरे धीरे हर चीज, और जो मैंने आगे भी सोचा है वो भी धीरे धीरे भगवान की दुआ से, मेरे माँ बाप की दुआ से
बाकी और जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनकी दुआओं से सारी चीजें कंप्लीट हो रही हैं धीरे धीरे। और कोई भी यार चीज करने में समय तो लगता ही है, और क्या, और कुछ नहीं यार, बस दिल की बातें करता हूँ यार। जब मैं ट्रेवल में जाता हूँ ना, जब भी आप लोगों को कुछ बताता हूँ ना इन्फॉर्मेशन, वो तो इन्फॉर्मेशन उस जगह के बारे में होती है, लेकिन बाकी टाइम अगर मैं कुछ कहता हूँ ना तो वो मेरे दिल की ही बात होती है। और मैं दिल लगाना चाहता हूँ आप लोगों से, बस आप लोग यार सपोर्ट दिखाओ, बस इतनी मेहनत मैं आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ यार। हालांकि मुझे भी देखना था ये जगह, लेकिन अगर मैंने यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया होता तो इतना ज्यादा मोटिवेट होके मैं यहाँ नहीं आता। मैं आता कभी ना कभी, लेकिन यूट्यूब भी मेरा एक सहारा है यहाँ आने का। यार वीडियोस बनाता हूँ तो अच्छा लगता है मुझे, जब वो उसका आउटकम आता है या मैं उसको एडिट करने के बाद जब रेंडर कर देता हूँ और जब फाइल देखता हूँ ना कि यार मैं यहाँ गया था, ये रिकॉर्ड हो गया है, अब ये हमेशा मतलब सेव रहेगा मेरे पास इस जगह की मेमोरी, तो इस रूप में मैं उसको देखता हूँ। ऐसा मत समझो बहुत सारा पैसा आ रहा है तो भैया घूम रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। यूट्यूब से अभी मुझे बहुत ज्यादा पैसा नहीं आता, और क्या, बाकी सब दिल की बात ही है यार, बस समझ रहे हो। बस यही थोड़ा मैं कैमरा बंद कर देता हूँ, वरना नीचे अगर कोई जरूरत पड़ गई तो कैमरे में बैटरी नहीं होगी, और बैटरी है भी तो लेकिन इतनी रात को खड़े होके चेंज करूंगा, कहीं मेमोरी कार्ड इधर उधर स्प्रिंग उड़ के चला गया ना, फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे जो भी हमने शूट किया है, समझ रहे हो। तो यहीं पे मैं बंद कर देता हूँ इसको। अब पूरी प्रॉपर रात हो गई है भाई, एकदम काला अंधेरा, और हमारी बाइक की रोशनी से जो रोशनी आ रही है ना वही रोशनी हमारे पास है। ये सामने वाला रास्ता लांगजा जाता था, जहाँ की हम नहीं गए, और वापस हम मुड़ गए यहाँ। ये अब आ गई अच्छी रोड, ये अच्छी रोड आ गई, यस अब अच्छी रोड आ गई फाइनली। अब रात में हम जो चला रहे है ना एडवेंचर इसी का है। अब अच्छी रोड आ गई है तो काफी ज्यादा सही लग रहा है। टाइम धीरे धीरे आ रहा था पीछे, वो शायद रात को भी रील बना रहा था। रील का बहुत बड़ा दीवाना है इब्राहिम, और फोटोज भी काफी अच्छी खींच लेता है, मैं उसके मुकाबले नहीं खींच पाता, वो इतनी अच्छी खींच लेता है, मेरे को ऐसा लगता है। और काफी कुछ उसने मुझे सिखाया फोटोग्राफी के बारे में। फिलहाल ये वाला गाना सुनिए और मिलता हूँ मैं आपको सीधा काजा में। अभी हम कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं यार खाना खाने के लिए, देखते हैं कहाँ मिलता है। ये काजा की पूरी मार्केट है और काफी बड़ी मार्केट है ये। खत्म, यहीं पर आ गए हम लोग तो। कहाँ आ गए? अरे वहाँ खड़ी खड़ी थी दोस्त, चले इसी में चले, क्या इसी में चले, हाँ सबसे बड़ी आ जा